चौनपप्पर में आजीवन कारावास की सजा पाने के बाद फरार चल रहा एक लाख का इनामी बदमाश सतीश सिंह पुलिस के मुठभेड़ में मारा गिरा गया। आपको बताते चले कि ये बदमाश 12 वर्षों से पुलिस के लिए सिरदर्द बना था। मौके में एक बदमाश फरार हो गया। बदमाशों की गोली से पुलिस के दो जवान भी घायल हुए हैं। पुलिस ने दिन में 2:50 पर मुठभेड़ होने का दावा किया है। बदमाश के पास में AK-47 की पिस्टल बरामद हुआ है। मौके पे पुलिस ने नीले रंग के पल्सर का भी कब्जे में ले लिया। वाराणसी जनपद के थाना चौबेपुर से गैंगस्टर एक्ट में पेशी के दौरान 2010 में फरार हो गया था। जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय साहनी समेत कई थानों की फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गई थी। पुलिस ने लाश कब्जे में ले लिया। इस मामले पर SP ने बताया कि मारा गया बदमाश हिस्ट्री शीटर था। हाल ही में सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में हुए सपा नेता लालजी यादव व एक ग्राम प्रधान की हत्या में भी शामिल था। फिलहाल इस तरह से खतरनाक अपराधी का खात्मा होने के बाद इलाके के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। इसके अलावा पुलिस के लिए भी इसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है।